हेलो भाइयों, आप सबका फिर से स्वागत है ऑफिशियल कार डेकोर की एक नई वीडियो के अंदर। तो आज आपके लिए हम फिर से लेके आ चुके हैं न्यू स्विफ्ट, जो हमारी फेसलिफ्ट रहने वाली है 2024 मॉडल। उसकी अपग्रेडेशन आपको दिखाने वाले हैं, क्या कुछ इसके अंदर हम मॉडिफाई कर रहे हैं और क्या कुछ इसमें आप करवा सकते हैं। फ्रंट से बात करें, फ्रंट में कुछ मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। बाकी किसी बाइक को यहाँ पे फॉग लाइट लगवानी है, सॉरी किसी बाइक को यहाँ पे अगर प्रोजेक्टर लगवाना है, प्रोजेक्टर भी अब ऑप्शन में है गाइस। आप प्रोजेक्टर भी लगवा सकते हैं विद ग्लॉसी फ्रेम के अंदर, फिटमेंट आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें, इसमें अगर आपको LED डलवानी है वो ऑप्शन मिल जाता है। साथ में किसी बाइक को ऑटोफोल्ड मिरर चाहिए या इंडिकेटर वाले चाहिए खाली, वो भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमने डोर पे लगा दिया है क्रोम हैंडल, चेक कर सकते हैं, ये जंग वगैरह नहीं खाता है। साथ में लोअर गार्निश लगा दी गई है, फिटमेंट वगैरह देख लीजिए प्रॉपर रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें, इंटीरियर में हमारी बहुत ज़्यादा मेन होता है जो हमारे डोर्स के अंदर डैम्पिंग, तो डबल लेयर डैम्पिंग कर रहे हैं। ओनो मिंडा ब्रांड की हमारी डैम्पिंग होने वाली है, जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड रहने वाला है। और साथ में इसकी जो हैवीनेस होती है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हैवीनेस भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके फ़ायदे बता दूँ आपको, एक तो ये हमारे पूरे डोर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, साथ में गेट जो हमारे यहाँ पे हैवी हो जाते हैं और स्पीकर का साउंड भी जो है 20% इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो ट्रैफिक की नॉइज़ वगैरह होती है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन भी आपको देखने को मिल जाती है। इनर हैंडल चेंज कर दिए गए, देख सकते हैं क्रोम वाले यहाँ पे लगा दिए जो हमारे जेन्युइन होते हैं। स्टीरियो हमारा लगने वाला है, देख सकते हैं कंपनी डब्बा देती है, कोई हमें कुछ भी नहीं देती यहाँ पे, तो इसको भी चेंज करके यहाँ पे स्टीरियो लगाया जाएगा। JBL के यहाँ स्टेज देख सकते हैं, स्टेज चूँकि यहाँ पे हमारे स्पीकर लगाए जा रहे हैं, ये देख लीजिए ओरिजिनल JBL के आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में आप फ्लोरिंग कर रहा हमारा भाई, देख लीजिए प्रॉपर फिटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, देखिए बिल्कुल रिंकल प्रूफ काम होगा। और साथ में ये जो चेकमेट वाली फ्लोरिंग है, इसकी थिकनेस भी आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग यहाँ पे चेंज हो चुका है, देख सकते हैं कंट्रोल्स वगैरह जो है यहाँ पे सारे वर्किंग करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे वेलकम लाइट भी लगेगी, जिसकी आपको वर्किंग में वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। तो गाड़ी में तो अभी यही कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है, जैसे अब गाड़ी का काम कंप्लीट होता है दिखाते हैं आपको फाइनल लुक हमारी गाड़ी की क्या कुछ रहने वाली है। तो फाइनली भाइयों, अपनी गाड़ी जो थी न्यू स्विफ्ट 2024 फेसलिफ्ट, वो हमारी यहाँ पे कम्प्लीटली मॉडिफाई हो चुकी है। क्या कुछ उसके अंदर हमने अपग्रेड करा है एक एक करके दिखाते हैं। फ्रंट से कोई चेंजेस नहीं है, देख सकते हैं कस्टमर ने यहाँ पे फॉग लाइट वगैरह नहीं लगवाई है। बाकी किसी भाई को इन फ्यूचर लगवाना हो अपनी गाड़ी के अंदर, आप प्रोजेक्टर लगवा सकते हैं, प्रोजेक्टर का थ्रो आपको अच्छा मिल जाएगा। ग्लॉसी फ्रेम आपको देखने को मिलेगा गाइस, ग्लॉसी फ्रेम भी हमारे पास अवेलेबल है। और बात करें किसी भाई को इसके अंदर जो अभी हैलोजन बल्ब है, आप अपनी हेडलाइट के अंदर LED इंस्टॉल करवा सकते हैं, हेडलाइट को यहाँ पे कस्टमाइज भी करवा सकते हैं गाइस, कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल हो गई है। लास्ट वीडियो में आपको मैंने चेकआउट करवाया था कि किस तरीके से हमने यहाँ पे कस्टमाइज हेडलाइट बनाई थी। सारे ऑप्शन आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे, जेन्युइन चाहिए जेन्युइन मिल जाएगा, आफ्टर मार्केट चाहिए आफ्टर मार्केट भी मिल जाएगा। साइड फेस में ज़्यादा कुछ यहाँ पे अपग्रेड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ चेक कर सकते हैं किसी भाई को यहाँ पे अलॉय व्हील लगवाने हैं, अलॉय व्हील भी लग जाएंगे, जेन्युइन लगवाने हैं वो भी मिल जाएगा, आफ्टर मार्केट लगवाने वो भी अपने पास अवेलेबल है। साइड फेस की बात करें, साइड फेस में हमारा खाली यहाँ पे कुछ ही काम किया गया है, जैसे कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं अलॉय व्हील नहीं लगे है, ना व्हील कैप लगे, किसी भाई को व्हील कैप लगवाने वो भी मिल जाएगा, अलॉय व्हील लगवाने जेन्युइन अलॉय व्हील आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील सारे ऑप्शन अवेलेबल होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर वाले हमने यहाँ पे मिरर लगा दिए हैं, चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको इंडिकेटर ही मिलता है। दो तरीके की आपको यहाँ पे मिरर मिलते हैं, जैसे कि एक ऑटो फोल्ड होता है और एक खाली इंडिकेटर वाला। इन फ्यूचर बाई चांस आपको इसी को ऑटो फोल्ड करवाना हो तो आप इसे भी ऑटो फोल्ड करवा सकते हैं। साथ में और क्या करा हमने, यहाँ पे चेक कर सकते हैं हैंडल क्रोम लगाया है, जिसकी फिनिशिंग चेक कर लीजिए, शार्पनेस बिल्कुल भी नहीं है, स्मूथ टेक्सचर रहने वाला है। और उसके बाद इस पर भी जंग वगैरह नहीं लगेगी। उसके बाद यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी हमने लोअर गार्निश लगा दी गई है, लोअर गार्निश ये भी हमारी बिल्कुल भी जंग नहीं खाएगी। चेक कर लीजिए प्रॉपर फिटिंग के साथ सारी चीज़ें रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें बैक प्रोफाइल में, आप क्या कुछ करवा सकते हैं बैक प्रोफाइल में, इधर देख सकते हैं कस्टमर ने यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगवाया, इंडिकेटर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके अंदर ब्रेक पार्किंग और यहाँ पे इंडिकेटर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद किसी बाइक को इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक बनवाना है, जो कंपनी हमें चीज़ें जो अवेलेबल करवाती है, जो एसेसरीज है, जैसे साइड में नीचे स्पॉइलर होता है, जो अंडर स्पॉइलर होता है वो भी मिल जाएगा, स्प्लिटर टाइप जो होता है आगे से पूरी फिटमेंट करवा सकते हैं, साइड में हो गया बैक से हो गया, सारी चीज़ें कंपनी ऑलरेडी दे रही है। अगर आपको फिटमेंट करवानी है वो सारी चीज़ें अपने पास अवेलेबल है। रही बात इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी आपको मैं चेकआउट करा देता हूँ, चेक कीजिए क्या ही लग्जरी इंटीरियर यहाँ पे हमने कर दिया है। पहले तो आप लुक चेकआउट करो गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना लग्जरी लुक यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हो, बिल्कुल सेम ऐसी फीलिंग आने वाली है आपको।
यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एम्बिएंट लाइट लगाई गई है। K4 में हमारी एम्बिएंट लाइट रहने वाली है जिसका रिस्पांस अच्छा मिलता है आपको। K4 में फ़ायदे बता दूँ, आप इसको सिंगल कलर में भी रख सकते हैं और यहाँ पे मल्टी कलर्स का ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। रनिंग कलर मिलता है आपको इसके अंदर। साथ में आप जब वेलकम होते हैं, इंटीरियर में एंटर करते हैं, तो आपका एक बहुत अच्छा वेलकम होता है। वेलकम प्लेट के साथ चेक कर सकते हैं, ब्लू कलर की लाइट रहती है हमारी और ब्लैक कलर की यहाँ पे पट्टी रहने वाली है, जिसका कॉम्बिनेशन जो है एक बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। सीट कवर्स की बात करें तो सीट कवर चेकआउट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्टी लुक वाले हमारे सीट कवर लगाए गए हैं। पूरे स्पोर्ट लुक लग रही है, चेक कर लो भाई। रेड कलर की यहाँ पे स्टिचिंग है, यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहा होगा। बर्फी टेक्सचर जो होता है हमारा पूरा ब्लैक कलर का सीट कवर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रेड टच दिया गया है जो गाड़ी की लुक को और इंटीरियर लुक को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। यहाँ चेक कर सकते हैं, हेडरेस्ट पे भी चेंज सिस्टम आपको मिलता है। उसके बाद किसी भाई को इसके अंदर कस्टमाइज़ करवाना है तो कस्टमाइज़ भी आप करवा सकते हैं कस्टमाइज़ में, लेकिन आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं कस्टमाइज़ करवाने में, क्योंकि गाइस उसे रेडी करना पड़ता है आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, आपके टेक्स्ट लेदर क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा टाइम लेके आना जब आप कस्टमाइजेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे करी गई है चेकमेट वाली फ्लोरिंग, उसकी फिटमेंट देख लीजिए। इसकी फिटमेंट बहुत अच्छी होती है गाइस, क्योंकि ये रिंगल प्रूफ होता है और इसकी फिटिंग बिल्कुल 0 to 0 आती है। अब इंटीरियर में बैठ के आपको मैं सारी चीज़ें चेकआउट करा देता हूँ, क्या कुछ हमारा और अपग्रेड किया गया। बात करें इंटीरियर में हमने और क्या कुछ यहाँ पे अपग्रेड करा है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे ध्यान जो है जा रहा होगा हमारे स्टीयरिंग पे, क्योंकि बेस मॉडल में ऐसा स्टीयरिंग नहीं आता है कंट्रोल्स वाले, तो यहाँ पे वो भी चेंज कर दिया गया है। जो यहाँ पे शॉक यहाँ पे लग के आया था हमारा स्टीयरिंग, उसे यहाँ पे कस्टमर को रिटर्न कर दिया गया, उसका कोई काम नहीं है। और उसकी जगह यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स लगते हैं वो वाला यहाँ पे लगा दिया गया है। चेक कर लीजिए, पूरा ओरिजिनल रहने वाला है हमारा मारुति का, ये देख लिया अभी इसका, तो यहाँ तक की गाइस ये देखिए इसकी पन्नी तक नहीं हटी, ऐसे हो सकते पूरा ब्रांड न्यू यहाँ पे लगा के दिया हमने। डुप्लीकेट आइटम्स कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आफ्टर मार्केट में मिलता है, तो वो हम बता के लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ओरिजिनल के नाम पे हम आफ्टर मार्केट लगा के दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें वर्किंग दिखने को मिल जाती है, देखिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें इसमें और हमने क्या कुछ और अपग्रेड करा है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, हमने इनर हैंडल यहाँ पे इंस्टॉल करे है, देख सकते हैं क्रोम वाले इनर हैंडल भी लगा दिए गए हैं। स्टीरियो देख लीजिए, स्टीरियो की फिटमेंट देख लीजिए, कितनी प्रॉपर तरीके से स्टीरियो करा गया लगाया गया है। कंपनी डब्बा देती है, उसका कोई काम नहीं होता, उसको हमने यहाँ पे निकाल के उसे भी कस्टमर को रिटर्न कर दिया है, उसकी जगह यहाँ पे स्टीरियो लगाया है। साइज़ बहुत अच्छा रहने वाला है, ये देख लीजिए, टच रिस्पांस भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल मक्खन की तरह रहने वाला है। और ये देख लीजिए, इतने सारे ऐप्स आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, यूट्यूब मिल रहा है, नेविगेशन मिल रहा है, प्ले स्टोर मिल रहा है, आप मनपसंद ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे टच रिस्पांस तो इसका बढ़िया है ही, अगर किसी बाइक को इसमें कैमरा वगैरह लगवाना है तो आप कैमरा भी लगवा सकते हैं, सारी चीज़ की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर भी कैमरा इंस्टॉल किया गया है। इसकी क्लैरिटी चेक कीजिए, सबसे पहले तो देख सकते हैं वाइड एंगल मिल रहा है और साथ में आपको गाइडलाइंस भी मिल रही है। जब आप अपना स्टीयरिंग रोटेट करेंगे पार्किंग के वक्त, तब आपको ये जो गाइडलाइंस है ये भी मूव करती दिख जाएगी, देख सकते हैं पूरी आपका, यानी सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। तो गाड़ी में तो बेसिकली यही कुछ काम किया गया है, बाकी किसी भाई को इससे भी एक्स्ट्रा काम करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं हमारी शॉप A4 कार एसेसरीज पे। बाकी वीडियो को करते हैं एंड, जाने से पहले गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, क्योंकि गाइस क्योंकि स्विफ्ट के जो कंटेंट्स हैं ना, इस चैनल के अलावा आपको इससे बढ़िया कंटेंट्स कहीं नहीं मिलने वाले, क्योंकि स्विफ्ट के स्पेशलिस्ट रहने वाले, सॉरी मारुति के स्पेशलिस्ट है भैया हमारे। स्विफ्ट ले आओ, डिजायर ले आओ, कोई भी मारुति की गाड़ी ले आओ, सारे में आपको यहाँ पे जेन्युइन वर्क देखने को मिल जाता है। तो वीडियो को करते हैं एंड, जैसे कि आपको बताई दिया है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।